तो जय हिंद दोस्तों, आप लोगों ने जैसे सिकंदराबाद से मैं 7 o'clock पर वहाँ से निकला था 7:30 को, और मॉर्निंग में यहाँ पर पहुँचा एग्जैक्टली 7:30 को। ठीक है, काफ़ी ट्रेन डिले होने की वजह से मेरी एक ट्रेन भी मिस हो गई, जिसकी वजह से मैंने रूम बुक कर लिया एक 1.5 किलोमीटर, बहुत करीब है, रूम पड़ गया मेरे को 1000 में, बेंगलुरु पैलेस करके नाम से जाना जाता है। बहुत ही ख़ास वीडियो होने वाला है, कम्प्लीट देखिए आप लोग। चलिए बाय। ओके वेल गाइस, ऑटो में अभी हम लोगों ने ओला बुक किया है, मैंने अभी मैं निकल रहा हूँ यहाँ से पैलेस के लिए। ठीक है, पैलेस में मिलूंगा मैं आपसे। वेल गाइस, ये रहा पैलेस का पहला गेट, और आपको इस पैलेस में सारी डिटेल्स मैं बताऊंगा, पैलेस की टाइमिंग क्या है, पैलेस की टिकट क्या है, कैमरे की कॉस्ट क्या है, और आपको ये जानना जरूरी है क्योंकि आप अपने कार या बाइक से आते हैं तो सीधे पैलेस के मेन गेट तक पहुंच सकते हो, और अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आते हो तो आपको मेन रोड से चलते हुए अंदर आना पड़ेगा। पैलेस में आने के बाद राइट साइड में इस साइड से एंट्री है, आपको दिख रही है, इस साइड से अंदर एंट्री जाना है। अभी जाएंगे हम लोग, काफ़ी ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है पैलेस, वाह, एकदम हॉलीवुड मूवी में रहते जैसा। और यहाँ पर पहुँचने के बाद मुझे एक सरप्राइज मिला गाइस, यहाँ पर वीडियो शूट नहीं कर सकते क्योंकि मैं हूँ एक यूट्यूबर, मुझे दिखाना है आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस पैलेस के बारे में। और अगर आप यहाँ पर पहले आए हो तो कमेंट कीजिए, और अगर नहीं आए आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और गाइस, यहाँ पर किसी चीज़ को टच करना नहीं है। अभी पहले वीडियो बनाने दे रहे थे लेकिन अभी वीडियो बनाने के लिए मना कर रहे हैं, मैंने कहा कि चार्जर्स काटिए मेरे मोबाइल का जितना भी आप, मुझे तो वीडियो बनाना है बोला था मैंने, लेकिन उन लोगों ने माने नहीं। क्या कमाल की कारीगरी है, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लग रहा। और इस पैलेस की टाइमिंग है सुबह मॉर्निंग 10 AM to 5:30 PM। वाओ, बहुत खूबसूरत पेंटिंग है, पेंटिंग्स बहुत अच्छे अच्छे इसमें, और ये जो ग्लास में दिख रहे हैं ये भी बहुत खूबसूरत है। शायद कई सारे रूम्स बने हुए हैं इसमें, कमाल की नक्शेकारी है, और हर तरफ आपको हाथी हाथी दिखेंगे क्योंकि यहाँ पे जो राजा थे उनको हाथी बहुत पसंद थे। पर देखिए हाथी के पैर, लेग्स दिख रहे हैं आपको, इसमें पूरे हाथी लग रहे हैं आपको, पूरे हाथी देखिए आप लोग, पूरे हाथी है यहाँ पर भी, एलिफेंट। वेल गाइस, यहाँ के जो पैलेस के महाराजा थे उन्हें काफी हंटिंग का शौक था, उनके शौक के काफी कुछ रिलेटेड देखने को मिलेगा इस पैलेस में। कमाल का है, जबरदस्त, बहुत ही बेहतरीन, ब्यूटीफुल, वेरी वाह। कि आप इस पैलेस को समझना चाहते हैं तो आप जरूर ये फ्री ऑडियो गाइड यूज कीजिए, और ये काफी लैंग्वेज में अवेलेबल है, और ये बिल्कुल फ्री है, और अगर आपको ये सुनना है तो आपके पास आधार कार्ड या गवर्नमेंट का कोई डॉक्यूमेंटेशन रहना जरूरी है, जो कि मैं भूल गया था रूम पर। तो पूरा लेडीज आइटम है, ठीक है, देख सकते आप,
आज भी वैसे के वैसे ही है के सूट। यहाँ पर देखिए आप लोग, हाँ गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर हुई शूटिंग, जो दिखा रहा था मैं आपको वो कूली मूवी की शूटिंग हुई, बहुत सारे मूवी की, जैसे ही देख सकते हैं आप लोग। देखिए मैं बहुत ध्यान से निकाल रहा हूँ ये सारी चीज़ें, निकालने तो नहीं दे रहे अभी। हो गया, आ चुके हम लोग एग्जिट। वेल गाइस देख सकते हैं आप लोग, एग्जिट होने के बाद कुछ ऐसा लगेगा आपको, व्यू काफ़ी बेहतरीन है यहाँ पर, इस साइड में भी है, एकदम आउट ऑफ में जैसे हॉलीवुड मूवीज़ में दिखता आपको ऐसा है। इस साइड भी बहुत ग्रीनरी है, इस साइड भी एक कुछ छोटा सा गार्डन बना हुआ है, बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है। वाह ठीक है, ज़बरदस्त है, लेकिन मुझे ये लगा कि जो प्राइस है ना 240 रुपीज़ काफ़ी ज़्यादा है, 100 रुपीज़ लेना चाहिए था, 150 लेना चाहिए था, लेकिन थोड़ा ज़्यादा है कॉस्ट। वेल गाइस अभी यहाँ से निकलूँगा मैं, एग्जैक्टली हो रहा है 4 o'clock, इसमें एक घंटा रुकने के बाद में पूरा देख लिया मैंने क्या क्या है। एग्ज़िट होने के बाद कुछ इस तरह से दिखता है, काफ़ी बेहतरीन है, लाजवाब है ये तो, बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है, बहुत खूबसूरत चीज़ है। और इसका टिकट कॉस्ट एक पर्सन के लिए 240 रुपीज़ ले रहे लोग, और कैमरे का कोई चार्जेस नहीं है, ना मोबाइल का चार्जेस है, अंदर वीडियो बनाने नहीं दे रहे। ठीक है निकलना है मुझे, पता नहीं क्यों ये लोग मुझे देख रहे हैं, फ़ोटो उतार रहे हैं, ये बंदा आज क्या हाय और कैसे हो, अच्छे अच्छे सर, उतर गया ओके सर। मैं पहुंच चुका हूं विधानसभा, देख सकते हैं आप, ये है कर्नाटका की विधानसभा। शाम के बज रहे हैं 5, नहीं नहीं सॉरी शाम के बज रहे हैं 5:30, 5:30 हो रहे हैं अभी। ठीक है मैं पहुंच चुका हूं, ये बेंगलुरु में है विधानसभा, देख सकते हैं काफ़ी पुराना है ये विधानसभा बेंगलुरु का, काफ़ी मस्त स्ट्रक्चर है ये भी, ज़बरदस्त है, बेहतरीन है। और यहाँ सामने आपको ये भी मिलेगा मेट्रो, यहाँ से आप यशवंतपुर जंक्शन भी उतर सकते हैं, कहीं पर भी जा सकते हैं मेट्रो स्टेशन से। ठीक है देख लेना आपको जहाँ जाना है, अगर वहाँ पर ट्रेन जाती है तो जाइए, मत जाती है तो मत जाइए, क्योंकि यहाँ से तो यशवंतपुर जाती है। ये ग्रीनरी, ये व्यू, ये ब्यूटीफुल क्या लग रहा है, वाह सो नाइस ऑफ व्यू। घूमते रहना चाहिए, मैं चाहता हूँ इंडिया का हर एक लड़का हर एक बच्चा जितने भी है सारे प्लेसेस, अपने इंडिया को ऐसे ही सोने की चिड़िया नहीं कहा जाता था, सभी लोग आए देखे उसको एक्सप्लोर करें, तभी तो उनको पता चलता है कि इंडिया की खूबसूरती क्या है। बहुत बेहतरीन है ये जगह, दिख रहा है अपना इंडिया का फ्लैग लहराते हुए, दिख रहा है आपको ये अशोका स्तंभ, जो नोट पर देखेंगे आप लोग, सिक्कों पर देखेंगे, ऊपर है सबसे टॉप पे। गाइस आप लोग जो देख रहे हैं ये है विधानसभा और ये है विकास सभा, ठीक है बाजू बाजू पास पास में ही है ये दोनों बिल्डिंग। एमजी रोड का फुल फॉर्म है महात्मा गांधी रोड बोल के, वहाँ पर जाऊँगा, वहाँ पर देखूँगा नाइट व्यू कैसा दिखता, वो आपको दिखाऊँगा मैं। गाइस बेंगलुरु में मेट्रो जो चलती है सेल्लार में, यहाँ पर फर्स्ट टाइम देखा मैंने सेल्लार में, अंडर टर्नल से चलती है, देखते हैं वो फर्स्ट टाइम इसका एक्सपीरियंस कैसा है, क्योंकि मैंने कभी अंडर जो टर्नल अंडरग्राउंड में होती है ना उसमें कभी गया नहीं था, आउट ऑफ में होता है ऐसा सेल्लार में, दिल्ली में भी है अपने, लेकिन मैंने गया कभी नहीं, आज बेंगलुरु में मौका मिला मुझे। ठीक है टिकट लेते हैं, यहाँ पर आ चुकी है, यहाँ पर मिल रहा है कई, ठीक है अपने तेलंगाना में मिलता है टिकट, ये शोइंग ओके खुल गया मेरा, तो चलो अभी नीचे जाऊँगा सेलर में, और सेलर है वहाँ से एक सेलर में उतरे, यहाँ से फिर एक सेलर है, यहाँ पर है प्लेटफॉर्म। ठीक है यहाँ पर कितने प्लेटफॉर्म है, 1 2 टू साइड है, इस साइड है या इस साइड भी है, देखिए मैं बैक कैमरा करके देख सकते हैं आप लोग,
काफ़ी बेहतरीन लग रहा है, ज़बरदस्त है, सेल्लार में बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं मेट्रो आने वाली है, ये देखो निकल रही है, दिख रही, निकल चुकी है अभी मेट्रो। स्टेशन से निकलने के बाद स्टेशन से इस साइड निकल गए अपन बैक साइड से, सामने फ्रंट में हाईवे रोड है, ठीक है, इस साइड में स्ट्रीट मार्केट है, कुछ भी ले सकते हैं आप, बहुत सारी देखिए आप कैसा एकदम हर चीज़ मिलती है यहाँ पर। तो इंडिया ने, ये तो फॉरेनर लग रहा है ये तो एकदम बिल्कुल, हाँ पूरा पूरे कैसा रशेबल एरिया ये, सही माहौल है यहाँ का, पूरा एकदम आउट ऑफ कंट्री लग रही है मुझे तो। जो MG मॉल है ना, महात्मा गांधी स्टेशन, ज़बरदस्त है ये पॉइंट ऑफ व्यू, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा ये, हर चीज़ मिलती, वुडलैंड का भी मिल जाएगा आपको, वाइल्ड क्राफ्ट का भी मिल जाएगा, डिबा एडिडास हर चीज़ है, लीवाइस में है तो। सो गाइस यहाँ पर है, मिल रहा है ना 100 रुपीज़ में वेनिला मिल्क शेक ले लिया है मैंने, MG रोड पर है ये, ये देख सकते हैं कुछ इस टाइप का है, काफ़ी बेहतरीन है ये, टेस्ट देखा मैं रिकमेंड करूँगा आप लोग आकर यहाँ पर पी सकते हो, स्टेशन के बाजू में ही है ये। कैसा घूम रहा देखो, उड़ जाएगा ऊपर, हाँ ओके ओके थैंक यू, ज़बरदस्त है जूस तो, मैं रिकमेंड कर सकता हूँ कि आप लोग आकर पियेंगे यहाँ पर। सामने KFC भी है, ये सिलाई की मशीन निकली है गाइस, ये देख सकते हैं आप लोग, क्या एंगल ये सिलाई करने वाला मशीन, कितने का ये 470 रुपीज़, अच्छा आप में 570 MRP, अच्छा तो ये MG रोड ही है ना, ये बिलगेट रोड है, वो MG रोड है, अच्छा सर ये बिलगेट रोड है, वो MG रोड है, अच्छा ओके, ये बिलगेट रोड बोलते क्या, कभी भी रहते हैं यहाँ पर आप? हाँ मैं कभी रहता हूँ, फ्राइडे नहीं आता, खाली फ्राइडे नहीं आते, एवरीडे रहते हैं, ओके। टाइट हो गई है गाइस, हालत तो बहुत टाइट हो गई है, अभी मैं निकलूँगा, यहाँ पर रेलवे स्टेशन है MG रेलवे स्टेशन, यहाँ सफर सीधा मैं यशवंतपुर जाऊँगा, यशवंतपुर से अपने रूम पर चला जाऊँगा, बहुत सारा एक्सप्लोर कर लिया है मैंने यहाँ पर, क्योंकि नाइट में आने के बाद भी मैंने आराम तो नहीं किया, फिर उसके बाद ब्लॉगिंग करने बैक टू बैक चला गया। ये अपने तेलुगु बोलते सर, ये सर, सर का नाम है अजय सर, अजय है ना सर, ओके थैंक यू सर, आप मिल गए, तेलुगु में बात करें मुझे बहुत खुशी हुई आपसे बात करके, ओके थैंक यू सो मच। है बेंगलोर स्टेशन पर मेट्रो पर ऐसी लाइन बनाकर रहना पड़ता है, देखिए क्या सही मेंटेन कर रहे हैं लोग, अपने पास अलग ही है, हैदराबाद में लाइन रहता ही नहीं आपके पास, और मुंबई में भी लाइन नहीं रहता, डायरेक्ट चढ़ जाते, ठीक है। ये रहा रेस्टोरेंट, ये रहा स्टेशन, यशवंतपुर जंक्शन स्टेशन से जैसे अंदर आएंगे अपन, यहाँ से भी आ सकते हैं वहाँ से भी आ सकते हैं, दोनों साइड से रास्ता है। ये ले लिया है मैंने वेज बिरयानी, 80 रुपीज़ कॉस्ट है इसका, ठीक है।